This is actually a travel vlog because we are traveling to Rishikesh. It's a beautiful city and you're gonna love it. Here we go. तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हाल बना के जा रही हो तुम रूम का, इसको सही कौन करेगा? ये बाबूराव का स्टाइल है। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन निकलने वाली है आधे घंटे के अंदर और हम अभी तक स्टेशन पे भी नहीं पहुँचे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। Two hours later. निवेदिता कहाँ है? वो कब की तैयारी की घूम रही है, मम्मी की तरह जल्दी चलो जल्दी चलो। अपनी पहली लोकेशन पहुंच के मैं अपने अंदर के बनी को जगाने ही वाली थी कि अब इतने टाइम बाद गंगा जी के दर्शन करके मैं तो खुद को डुबकी लगाने से नहीं रोक पाई और इस मौसम में भी पानी बर्फ की तरह ठंडा था। बस फिर क्या था, अपनी भूख मिटाने हम पहुंच गए 1938 में बनी हुई नारायण जी की पूरी की दुकान पर। एक बार जिसे यहाँ खा लिया वो वापस तो डेफिनेटली आएगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अपनी मैंडेटरी ज्वेलरी शॉपिंग करते हुए हम पहुँच गए ये अमृत फल खाने। Now it's time to reach our second destination, which is a place very close to my heart. क्योंकि यहाँ पे मैं अपने grandfather के साथ आया करती थी। घाट पर जितनी शांति और सुकून है ना, वो शायद और कहीं नहीं है। और यहाँ का व्यू चलो खुद ही देख लेते हैं। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हमारी थर्ड लोकेशन पर इन शिवपुरी। इस छोटे से कैंप में ये था हमारा टेंट जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे। पूरे दिन की थकान खा पी कर मिटाने के बाद मैं तो चली गई सोने, क्योंकि कल जो होने वाला है उसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, हाँ नहीं पीती हूँ यार, लेकिन टुडे आई मेड एन एक्सेप्शन क्योंकि मेरे को अपनी बकेट लिस्ट चेक करनी थी, वो पहाड़ों वाली चाय और ये वाला व्यू। है कि हम तीनों अलग से अपना YouTube चैनल खोलेंगे। Now it's finally time to do the white water rafting. In the morning feeling live. God must be really on my side. Got the baddest bitch by my side. Cash make the pussy come alive. Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my niggas come from doing time. Hands in the air with just a fly. Thank God that I'm alive. अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऋषिकेश के मोस्ट ब्यूटीफुल कैफेज एंड उनमें से पहला है ये गंगा व्यू कैफे एंड यहाँ का व्यू इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। सेकेंड ऑन आर लिस्ट इज फ्रीडम कैफे। इस कैफे की लोकेशन मिलना और इसके अंदर टेबल मिलना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ का व्यू तो वर्थ इट इट वाज। बोट
आलू वाले गोलगप्पे वर्सेस चने वाले गोलगप्पे? सोनम, आलू वाले गोलगप्पे चने वाले? आलू वाले जाकर आलू वाले को चने वाले नो गोलगप्पे? अच्छा बात नहीं है वैभव, आलू वाले गोलगप्पे चने वाले? नहीं चने वाले, आलू वाले गोलगप्पे। ये अमेजिंग सा मसाला डोसा खा के हम चल दिए लक्ष्मण झूला मार्केट एक्सप्लोर करने। आई लव दीज हैंडमेड डायरीज सो मच, तो मैंने 3 डायरीज ले लिए एंड वन ऑफ देम इज फॉर यू गाइस। इन गलियों में घूमते घूमते और गंगा किनारे बैठ के एक बात तो समझ में आ गई कि अगर जिंदगी जीनी है तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा बॉस। मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर है, लेकिन बस कभी कभार उन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए हमें उनसे दूर भी जाना पड़ता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रैवल, भटकते भटकते समझ आ ही जाता है कि मेरा दिल और दिमाग कहाँ है। Now it's time for the giveaway question. तुम्हारी लाइफ का ऐसा कौन सा पैशन है जिसके लिए तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हो? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। And I've got this beautiful gift for you guys. And if you enjoyed watching this video, don't forget to hit that like button. इतने टाइम बाद लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ यार, थोड़ी मोटिवेशन दे दो। Till then, stay happy and I'll see you guys in the next video. Bye bye.